अस्सलाम वालेकुम। चिकन टिक्का पॉकेट्स चले बनाते हैं। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और आप इसे स्नैक टाइम के लिए बना सकते हैं। और फिर रमज़ान आ रहा है, अगर आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। डो लगा लेते हैं, जिसके लिए मैं 2 कप मैदा ले ली हूँ। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, ये ईस्ट है, ड्राई ईस्ट, 1 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टेबल स्पून से भी कम नमक। गुनगुना, आप दूध लीजिएगा, गुनगुना है। अब इसे गूंद लें। देखिए, इसके नीचे बस थोड़ा सा ऑयल गिरा के अब इसे अच्छे से, देखिए आटे में गूंद के रख ली। इसे आप जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही आटा लगाएं। अगर आपके पास ड्राई ईस्ट नहीं हो तो आप एक पैकेट इनो ले सकते हैं। मैं एक पैन ले ली, इसमें इस स्पून से 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल दी हूँ। इसी में आपने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक भून लें। इसी में 1 पाव तक ये बोनलेस चिकन है। अब इसे 1-2 मिनट लहसुन अदरक पेस्ट के साथ हाई फ्लेम पे ही पका लें। ये इसी में मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो ले, नहीं तो थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर का बढ़ा सकते हैं आप। देखिए, इसे लो फ्लेम पे ही, इसमें पानी नहीं डाले, ये छोटे छोटे पीस है और बोनलेस है तो ये जल्दी ऐसे भूनने में ही ये पक जाते हैं। तो आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, लो फ्लेम पे इसे पकाएं। 1 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ, और 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जिसे मैं स्लाइस में कट करके, अब ये तीनों को चिकन, शिमला मिर्च, प्याज अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। देखिए, ये हो गया 15 से 20 मिनट इसे मैं लो फ्लेम पे ही पका रही थी। और आपने शिमला मिर्च को या फिर प्याज को बिल्कुल गलाना नहीं है, ये थोड़ा इसमें क्रंचीनेस रहेगा, फिर ये अच्छा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो फिर आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। देखिए, मैं आटे को ले ली, अब इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। देखिए, इसे खुश्की के मदद से आपने इसे ऐसे लंबे में फैला लेना है। देखिए, अच्छे से मैं फैला ली इसे। अब इसके ऊपर अपने ये सग्गा प्याज है, देखिए बिल्कुल मैं छोटे छोटे इसे पीसेस में कट कर ली हूँ। इसको आपने इस पे फैला लेना है। अगर आपके पास ये है तो आप ले, नहीं तो आप ऐसे ही इसे ऐसे ही लंबा में करके आप अपने मनपसंद कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। अब मैं इसे दोनों हाथों से ना इसे अच्छे से रोल कर लें। देखिए, इसे मैं रोल बना ली, अब इसे आपने पीस में कट कर लेना है। देखिए, इसे पीस में कट कर ली। अब एक आपने लेना है और इसे ऐसे हाथों से दबा के, देखिए मैं सारा इसे बना ली। देखिए, ज़्यादा ना पतला है ना ही ज़्यादा ये मोटा है, देखिए ऐसे ही रहना चाहिए। इसके ऊपर ना ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मंगरेला है। देखिए, मैं ऑयल ले ली हूँ, ऑयल मीडियम गरम हो गया। अब इसमें आपने इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो फिर ये अंदर से पकेगा नहीं। देखिए, इसे मैं फ्राई करके और चाकू से ना अब इससे कट कर ले। और इसमें मैं चिकन डाल दी हूँ, ये सलाद पत्ता है,
इसको आप डाल दें सॉस मेयोनीज लगा के, फिर बीच में आपने ये चिकन को ऐड कर लेना है। आप इसे रमज़ान में या फिर आपको कोई यूनिक सा या कुछ खास ओकेज़न पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगा।